अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हमने फ्राइडे में कच्चे मसाले की बिरयानी बनाई है, वो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो जो सामान लिया है वो सब आपके सामने है, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि किस तरह से कितना कितना हमने सामान लिया है। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो है, और इसको मैंने उबाल लिया है। सिर्फ नमक डाला था मैंने, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, और नमक मैंने डाला है, और देखें इसका पानी खुश्क कर लिया। सिर्फ आधा कप मेरे पास ये यखनी बची है, इससे ज़्यादा यखनी हमें नहीं बचानी। और 1 पाव मैंने प्याज ली है, लच्छेदार काट ली है बिल्कुल बारीक करके, और 1 पाव ही मैंने टमाटर लिए हैं, ये भी इस तरह से स्लाइस में काट लिए हैं, गोल स्लाइस में काटे हैं मैंने। और पुदीना मैंने लिया है आधा कप, पत्तियां ली हैं मैंने। 4 हरी मिर्चें हैं, इस तरह से हाफ़ कर लिए इनको मैंने। और 2 कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने, टेबल स्पून 2 कुटी हुई। और मैंने शान का बिरयानी मसाला लिया है, वो आपको बताऊंगी कितना। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आलू बुखारे मैंने 8 से 10 अदद लिए हैं। और इमली का पेस्ट मैंने लिया है 1/2 कप, इसको छान के लीजिएगा। लीमू 2 अदद लिए, ये भी मैंने स्लाइस में काट लिए हैं। तो ये सब सामान है जो हमें तैयारी के लिए चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि देखें, सबसे पहले पैन में हम प्याज रख देंगे इस तरह से, क्योंकि कच्चे मसाले की बिरयानी है तो इसलिए तमाम सामान हम कच्चा ही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है, वो आपको बताती हूँ। और ये देखिए टमाटर हैं, ये भी हम थोड़े से बचा लेंगे, थोड़े इसमें हम स्लाइस इस तरह से, एक लेयर हमने पहले प्याज की लगाई है, दूसरी लेयर हम टमाटर की लगा रहे हैं। 1 बाय 1 हम तमाम चीज़ें इसी तरह इसमें रखते चले जाएँगे। यकीन माने बिल्कुल देगी बिरयानी का जायका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इस तरह से हमने इसमें डाल दिया। और ये आलू बुखारे भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये हमने इसमें डाल दी। और ये शान का बिरयानी मसाला मैंने 1/2 पैकेट शुरू में भी डाल रही हूँ, और 1/2 पैकेट अभी दोबारा डालूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। पूरा पैकेट लीजिएगा, शान का बम्बई बिरयानी मसाला है ये। और ये देखें, ये लेमन भी हम इस तरह से लगा देंगे इस पर। और ये हरी मिर्चें हैं, ये इमली का पेस्ट है, ये भी इस तरह से लेयर हम पूरी लेयर पे हम डाल देंगे इस तरह से। और फिर ये पुदीना, बस 1 बाय 1 तमाम चीज़ें हमें ऐसे ही डालनी है। और ये देखें फिर एंड में हम इस पे गोश्त लगा देंगे, ये गोश्त लगा दिया हमने इस पे। गोश्त हमारा बिल्कुल पका हुआ है, बहुत मुलायम कर लिया था हमने इसको। और ये देखें जो बाकी टमाटर और प्याज हमने बचा लिए थे वो इस तरह से इस लेयर पे हम लगा देंगे गोश्त के ऊपर, ठीक है। और ये प्याज भी, साथ ही हमने पानी हमारा उबल चुका है ये देखें आप। और इसमें हम गरम मसाला, साबुत, कुटी हुई ये काली मिर्चें हैं, दार चीनी है, जायफल जावत्री है, ये सब डाला है हमने इसमें। और 1/2 किलो चावल लिए हमने सेला, ये हम इसमें डाल रहे हैं।
पानी में उबाल आ चुका है। अच्छा, चावल जब हमारे उबल जाएंगे, ये देखें आलू, ये देखें इसमें ऑयल हम डाल दिए, हमने आधा कप ऑयल डाला है इसमें, ठीक है। अब चावल हमारे उबल रहे हैं, साथ ही जैसे ही चावलों में उबाल आएगा और 2 से 3 मिनट होंगे तो हम उसमें से आधे चावल निकाल लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए करेंगे कवर। ये देखें 5 मिनट के लिए इसको हमने कवर किया है और इसमें स्टीम आ गया है। ये आपको दिख रहा होगा कि स्टीम से इस तरह से ऑयल छुटा है साइड में। इसको एक सिर्फ हम इस तरह से पलट लेंगे एक दफ़ा, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ये कच्चे मसाले की बिरयानी है, इसलिए इसको एक दफ़ा हम अच्छे से उलट पुलट कर लेंगे इस तरह से, आप देख लें, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। और इतने ही हमारे चावल जो हैं उबाल, चावलों में उबाल आने के बाद सिर्फ जैसे कच्चे आधे चावल पक जाते हैं, आधे कच्चे रह जाते हैं, वो हम हमारे तकरीबन 5 मिनट होंगे उबाल पानी में आने के बाद, चावलों के डालने के बाद जो पानी में उबाल आएगा तो 5 मिनट होंगे, तो हम उन चावलों को निकाल लेंगे। और ये देखें आधा मसाला जो हमने बचा लिया था वो आधा मसाला अब हम इस पर डाल देंगे इस तरह से। ये आधा मसाला अब हमने इस पर डाल लिया है और चावलों को हम निकालेंगे इसमें से। ये देखें इस तरह से छलनी से हम आधे चावल निकाल लेंगे और आधे चावल हम उसी में रहने देंगे, वो और अच्छी तरह से पक जाएंगे। आधे चावल कच्चे डालने का मकसद ये है क्योंकि जो मसाला हमारा थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज छोड़ेगा, नीचे जो नमी छोड़ेगा, तो ये चावल उसमें पक जाएंगे, इसलिए हम शुरू में थोड़े कच्चे चावल डाल रहे हैं। ऊपर की जो दूसरी लेयर होगी वो हम पके हुए चावल डालेंगे और इसका हमने ढकना ढक दिया है। इतने हम इसका 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, ये हमारे चावल पक जाएंगे, फिर हम इसे निकाल कर इन चावलों पर डाल देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, चावल हमने निकाल लिए थे, वो बकाया चावल भी हम इस पर डाल देंगे। ये देखें ये चावलों की दूसरी लेयर भी हमने इस पर डाल दी है। बहुत आसान तरकीब है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा झंझट नहीं है, ये पकाना है, ये करना है, इतना भूनना है आपको, बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान तरकीब है इसकी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए चावल हमने फैला दिए अच्छे से। अब जो हमारे पास यखनी बची थी आधा कप, उसमें हमने आधा टीस्पून कलर डाला है, फूड कलर, जर्दे का कलर, वो डाल दिया इसमें और उसको इस तरह से हमने ज़ाया नहीं किया यखनी को, एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया, इस यखनी के अंदर हमने कलर डाल के ये हमने चावलों पे डाल दिए क्योंकि हमारा यखनी का जो फ्लेवर है वो हमारे चावलों में आ जाएगा। तो इसे हम स्टीम पे रखते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ी सी मेरे पास ब्राउन प्याज थी वो मैंने डाल दी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने डाल दी। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ा है और ये देखिए बेहतरीन स्टीम निकली है इसमें से। और ये आपको मैं दिखाती हूँ नीचे से, बिल्कुल नीचे से तेल निकाल के दिखाऊँगी, वो आप देखें कि एक एक दाना हमारा अलग अलग हुआ हुआ है। कोई ये नहीं है कि इसके अंदर नमी थी तो हमारे चावल ख़राब हो गए या कच्चा मसाला था उसने पानी छोड़ दिया। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन चावल, एक एक दाना अलग हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत आसान तरकीब है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको भी सर्व करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे हमारे चावल की बिरयानी बनी है, तो ये कच्चे मसाले की बिरयानी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।